नमस्कार दोस्तों, मैं एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चल रहे बनाने मसालेदार चिकन, चिकन मसाला। तो इधर अपना लग गया है, सेटअप पूरा लगा लिए हैं, सामान वामान भी रेडी कर लिए हैं। देखिए इधर 1 kg चिकन भी है और धो के एकदम साफ़ कर लिए हैं। देखिए तो चलो इसको ढक के छोड़ देते हैं, थोड़ा मसाला दिखाते हैं क्या क्या हमारे पास है। तो मसाले में देखिए प्याज लिए हैं, ज़्यादा प्याज नहीं है, थोड़ी प्याज है, बारीक काट लिए हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसको देखिए एकदम बारीक चॉप किए हैं। तो मसाले में क्या क्या है हमारे पास है, मीट मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, देगी मिर्च, इतने मसाला डालेंगे। कुछ खड़े मसाले हैं इसमें, देखिए जीरा है, दालचीनी है, सूखी लाल मिर्च है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, बस खड़ा मसाला इतना ही, और दही। तो हमारे पास दही भी है, तो दही के साथ में बनाएंगे मसाला, पूरा रेडी करेंगे। पहले हम गैस जलाएंगे फटाफट और प्याज को फ्राई करेंगे। गैस जल गई, इसको रखेंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई में इसका जो पानी है सूख जाए और कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाए, तो इसमें डालेंगे तेल। तो ये कढ़ाई भी गर्म हो गई, इसमें जाएगा सरसों का तेल। बस तो देखिए तेल गर्म हो गया, इसमें जाएगा खड़े मसाले। और इसमें जाएगी प्याज। प्याज को थोड़ा भून लेते हैं। देखिए तो प्याज हमारी जब तक भुजी जा रही है, जब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, ताकि दही में हमको मसाला सब मिलाना पड़ेगा। तो लेते हैं फटाफट, हम मसाला मिला लेते हैं दही में। देखिए आ गए मसाला मिलाने के लिए दही में। तो ये आ गई दही और ये सारे मसाले जो बताए थे हम, ये जाएगा इसमें मसाला पाउडर सब दही में। ये देखिए इसको बढ़िया से मिलाएंगे, देखिए दही के साथ में मसाले को। तो देखिए इस तरह मसाले को मिलाना है अच्छे से। बर्तन थोड़ा छोटा है, बड़े बर्तन भी आप मिला सकते हैं। तो हमारे पास बर्तन यही है नॉन वेज का, तो हम इसी सब मिलाते हैं। ये देखिए तो अच्छे से मिलाना है, दही और मसाला सब एक कलर हो जाए। देखिए जहाँ कहीं व्हाइट है या मसाला है, तो अच्छे से देखिए मिलाना है। ये मसाला मस्त मिल गया है, ये देखिए। तो चलो साफ कर देते हैं हाथ पूरा इसमें, और प्याज को देखते हैं क्या रंग आ रही है प्याज में हमारे। देखिए प्याज हमारी 80% भुज गई है। तो इसमें डालेंगे बिना छिली हुई लहसुन की कलियां। देखिए बहुत स्वादिष्ट बनेगा मसालेदार चिकन, इसको भी डालेंगे और थोड़ा सा इसी तेल में रोस्ट करेंगे। देखिए अब जाएगा अदरक लहसुन हरी मिर्च, ये भर के जाएगा इसमें, ज़्यादा मात्रा में चाहिए अदरक लहसुन हरी मिर्च। इसको भी थोड़ा सा देखिए भूजेंगे इसी के साथ में। इसको एक मिनट भूजना है बस, सिर्फ एक मिनट में एकदम रेडी हो जाएगा अदरक लहसुन। देखिए अभी अदरक लहसुन भी एकदम रेडी हो गया, और इसमें आएगा चिकन। तो इसमें हम फटाफट चिकन डालेंगे। देखिए तो 1 kg चिकन हम बना रहे हैं एकदम मसालेदार। तो अब इसको हम अच्छे से अदरक लहसुन खड़े मसाले और प्याज साथ में इसको थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे चिकन को। ये देखिए इसको अच्छे से मिलाना है, और इसको थोड़ा सा इसका पानी रिलीज करना है और पानी को सुखाना है। ये देखिए तो इसको हम 3 मिनट ऐसे ही भूजेंगे, 3 मिनट बाद फिर चलाएंगे और क्या क्या करना है वो भी दिखाएंगे। देखिए 3 मिनट हो गया, अब एक बार आराम से ऊपर नीचे करेंगे। देखिए मस्त फ्राई हो रहा है चिकन, ये इधर भी थोड़ा सा घुमा देते हैं। देखिए तो देखिए पानी छोड़ रहा है और पानी सूख भी रहा है,
ये देखिए ये और एक मिनट सिर्फ हम और इसको रखेंगे इसे ही, उसके बाद हम दिखाते हैं इसमें क्या क्या डालते हैं। ये देखिए चिकन एकदम मस्त फ्राई हुआ है और पानी भी एकदम सूख जा रहा है। तो एक मिनट हो गया है, अब गैस को हम एकदम स्लो करेंगे ताकि दही में मसाला डाले थे और हल्की आंच पे हमको मसाले को डालना पड़ेगा, नहीं दही फटना चालू हो जाएगा, इसलिए हम गैस को थोड़ा स्लो करेंगे। देखिए गैस को स्लो कर दिए और इसमें आ गया है मसाला डालने का नंबर। ये देखिए सारा मसाला इसमें जाएगा जो दही के साथ में हम फेंट के रखे थे। थोड़ा पानी देखिए इसको धुलेंगे, इसमें काफी मसाला लगा है ना, ये देखिए। तो अब मसाले को बढ़िया से धीमी आंच पे मस्त भूजना है, देखिए इस तरह, और इसको सब अच्छे से मिलाना भी है, सब मिला के अच्छे से इसको बढ़िया से भूजना है, एकदम तेल इसका अलग अलग हो जाए। ये देखिए दही जो है अच्छे से पक गई है, अब हमको मसाले पकाना है तो थोड़ा गैस को तेज़ करेंगे, मीडियम करना है गैस को, मतलब कि हल्का तेज़ करना है बस। ये देखिए जब हम दही डाले थे मसाले के साथ में तो चिकन को हम ठंडा करना था, इसलिए गैस को एकदम स्लो कर दिए थे, तो अब हम थोड़ा हल्का से तेज़ कर दिए हैं, अब हम मसाला को अच्छे से भूजेंगे। देखिए मसाला भूजने में हमको सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेगा, अभी कलर ही ज़बरदस्त आएगा, कलर आ भी रहा है देखिए, तो अभी मसाले को अच्छे से देखिए नीचे नीचे पकाएंगे, अब नीचे मसाला रह गया है तो इसे आराम से धीरे धीरे मसाले को पकाएंगे। देखिए ये तो अभी नमक बिल्कुल नहीं डालना है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नमक आप बाद में डालते हैं, ताकि ये चिकन बॉयलर चिकन है जल्दी पक जाता है, इसीलिए जो है नमक को हम बाद में डालते हैं। ये हम लोग चिकन को नहीं पकाना है, हमको मसाले को पकाना है, चिकन तो ऑटोमेटिक पक ही जाएगा 2 से 4 मिनट में, इसीलिए हम पहले मसाला वसाला रेडी करेंगे। देखिए मसाला रेडी हो रहा है, देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला रेडी हो रहा है, बगल बगल से एकदम कलर आ रहा है, तो ऐसे ही आराम से ज़्यादा चिकन को छेड़खानी नहीं करेंगे हम, ये देखिए सिर्फ मसाले को ऐसे ही भूजते रहेंगे, देखिए इस तरह। ये तो अभी इसको हम 1 मिनट पकाएंगे बस। ये देखिए अब नीचे हमारा मसाला लगना चालू हो गया, इसका मतलब मसाला हमारा अब पक रहा है, इसमें हम हल्का से जो है पानी डालेंगे और ढक के पकाएंगे अभी हम, तो थोड़ा मसाले का अच्छे छुड़ा देना है ताकि मसाला एकदम हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए तो लाइट पड़ रही है इस पर, तो लाइट थोड़ा डाउन करेंगे, देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। ये देखिए चिकन, अब चिकन टूटेगा नहीं, ताकि अब मसाले एकदम लटपट हो गया है, अब कैसे भी आप चला सकते हैं। देखिए ये तो ज़बरदस्त भूज लिए हैं चिकन को, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, देखिए थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं सिर्फ चिकन को पकाने के लिए, अब पानी को अच्छे से चिकन साथ में देखिए मिला देते हैं। ये देखिए अच्छे से मिला देना है, कढ़ाई में जो भी मसाला लगा हो उसको अच्छे से कलछी से छोड़ा देना है। देखिए अभी तो इसमें नमक भी डालना है, तो पहले हम नमक डाल देंगे उसके बाद इसको हम ढकेंगे, इसमें जाएगा स्वाद के हिसाब से नमक, और नमक को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। देखिए ये देखिए अब इसको हम आराम से ढकेंगे, अब इसको ढक के हम 5 मिनट ऐसे ही धीमी आंच पर पकाएंगे, अभी देखना ये जो है
ग्रेवी भी हमारी एकदम थिक हो जाएगी। ग्रेवी ज़्यादा डाले नहीं है, मतलब कि पानी हम ज़्यादा नहीं डाले हैं, आप देखे थे सिर्फ एक छोटी सी कटोरी से हम डाले हैं। अभी एकदम मसाला एकदम ड्राई हो जाएगा और ज़बरदस्त बनके रेडी होगा, कलर भी ज़बरदस्त आएगा। इसको हम लगाएंगे ढक्कन। अब ये लग गया ढक्कन, तो इसको आराम से हम 5 मिनट ऐसे ही धीमी धीमी आँच पे इसको दम पे बढ़िया से पकाएंगे। उसके बाद इसमें धनिया उनिया डालेंगे, अभी खोल के भी दिखाएंगे हम। एकदम ढक के रख दिए हैं, देखिए धीरे धीरे पक रहा है, गैस को एकदम स्लो कर दिए हैं, अब देख पा रहे हैं एकदम स्लो है गैस। सिर्फ कैमरा में दिख रहा है थोड़ा तेज़ है, मगर तेज़ नहीं है, एकदम स्लो है। फिर धनिया भी हम काट के ला लिए हैं, देखिए धनिया भी एकदम रेडी हो गई है। तो ज़बरदस्त बनेगा चिकन मसाला, और परसों नौरतम भी चालू हो जाएगा, लेकिन नौरतम बाद ही खाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज शुरू हो गया है हमारा, जो है इधर पक रहा है। अभी एक मिनट बाद इसको खोलेंगे, धनिया डालेंगे तब भी दिखाएंगे, और ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। अभी गैस देखिए आराम से चली रही है धीरे धीरे, तो ठीक है 2 मिनट बाद खोलेंगे फिर दिखाते हैं। तो अंधेरा भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते अब धनिया उनिया डालते हैं और फटाफट खोलते हैं और दिखाते हैं इसका कलर और रंग और कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। तो कमेंट आता है कि बनाते हैं दोपहर से, अंधेरा हो जाता है, दोपहर से नहीं बनाते हैं हम, जब अपने काम से जब आते हैं ड्यूटी से, अपने काम से जो भी काम करते हैं हम, तो घर पहुंचते हैं तो करीब 4:30, 4:45 या 5:45 हो जाते हैं, कभी कभी जल्दी कभी देर हो जाता है। तो उसके बाद शुरू करते हैं बनाने में, तो फिर लाइट तो रहती है, मतलब कि सूरज तो रहता ही है, उसे बनाते बनाते थोड़ा शाम हो जाता है। तो चलिए ठीक है, धनिया डालते हैं फटाफट हम। देखिए इसको ढक्कन को हम आराम से खोलते हैं, हमारा स्टाइल यही है भाई खोलने का। देखिए तो कितना ज़बरदस्त तैयार है। इसमें अब हम डालेंगे हरी धनिया, ये आ गई हरी धनिया, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम रेडी हुआ है। तो चलो धनिया को बढ़िया से मिला देते हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसालेदार चिकन रेडी हुआ है, ये देखिए। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, एकदम देखिए एकदम सूखा सूखा बना है, और हल्का हल्का सा जो है नीचे मसालेदार ग्रेवी है। चिकन एकदम ज़बरदस्त पक के रेडी हुआ है, देखिए इसको मिला देते हैं, और मिला के इसको हम धनिया को ढक के अच्छे से छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो है जब धनिया डाली गई है गरम गरम चिकन में तो मस्त इसका फ्लेवर पूरे चिकन में आ जाए। तो चलो इसको ढक्कन लगाते हैं। तो देखिए चिकन को बढ़िया से धनिया के साथ में सेट कर दिए, अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन, उसके बाद 2 मिनट इसे छोड़ देते हैं, उसके बाद चलते हैं अपना प्याज वगैरह काटते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो खाएंगे, इसका स्वाद भी बताएंगे कैसा बना है। तो चलते हैं, ले चलते हैं खाने के लिए, एकदम रेडी हुआ। खोलते हैं दिखाते हैं, ये देखिए मसालेदार चिकन। तो चलते हैं निकलते हैं खाते हैं, बाकी अब देर नहीं करेंगे, अब थोड़ा नॉर्मल भी हो गया, ठंडा भी हो गया है, तो निकालेंगे इधर से। देखिए एकदम ड्राई पीस है, देखिए एकदम सूखा है ये, और नीचे जो मसाला लगा है थोड़ा सा मसाला उठाएंगे, ये देखिए हल्का ही मसाला है इसमें, और अपना फेवरेट निकालेंगे पोटा, तो आ गया पोटा भी, तो एक पीस हम लेंगे गर्दन वाली, देखिए एकदम ड्राई पीस है, देखिए मस्त निकाल लिए हैं प्लेट में, और एकदम मसाला देखिए एकदम कैसा है, ये एकदम मसालेदार है। तो हम शुरू करेंगे पहले यहाँ से, रोटी भी लिए हैं, रोटी बाद में खाएंगे, पहले हम यहाँ शुरू करेंगे मसाले के साथ लटपट करेंगे। ये देखिए जबरदस्त है,
पॉपकॉर्न निकल गया, जूस भी है। जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। बहुत सुपर टेस्टी है। अब बचा है पोटा, इसको भी खींचेंगे। तो पूरा चिकन तो भाई साफ हो गया, बची है हल्का से मसाला, तो मसाला भी उठाते हैं। सुपर, जो मसाला है जबरदस्त है, मजा आ गया। चिकन मसाला एकदम जबरदस्त है। तो खाना हो गया जबरदस्त, मसालेदार चिकन रेडी हुआ था। तो अपने जिम्मी भी खाना निकाल दी है। जिम्मी पहले हम जो है बुलाते हैं, देखते हैं एक बार में आती नहीं आती है। जिम्मी, अरे एक बार में आ गए। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ, उधर नहीं, आज खाना तुम्हारा इधर लगा है। इस साइड में आओ, ये आपका खाना। ठीक, जाए अब नहीं बोलेंगे भाई, खाएंगे तो कहाँ बोलेंगे। चालू हो गया कड़कड़ाना इनका। चलते हैं, तुम खाओ, चलते हैं। हाथ हाथ धो लेंगे, आराम करेंगे। अब ये जिंदगी आराम से खाएंगे, अपने बाउंड्री में रहेंगे।